नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिकाग्रेलोर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टिकाग्रेलोर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टिकाग्रेलोर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टिकाग्रेलोर टैबलेट एक एंटीप्लेटलेट ड्रग क्लास की दवा है जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में ब्लड के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है। टिकाग्रेलोर टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। टिकाग्रेलोर एक सॉल्ट नेम है। टिकाग्रेलोर टैबलेट को ब्रिलिंटा, एक्सर और टोरफ्लेट आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। टिकाग्रेलोर टैबलेट 60 mg 190 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो टिकाग्रेलोर टैबलेट खून को पतला करती है जिसकी वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप टिकाग्रेलोर टैबलेट को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टिकाग्रेलोर टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टिकाग्रेलोर टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, नाक से खून आना, दस्त, बदहजमी, सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में थकान, पेट में दर्द, पेट में ब्लीडिंग और सिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि टिकाग्रेलोर टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टिकाग्रेलोर टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टिकाग्रेलोर टैबलेट की पहली खुराक को 180 mg लोडिंग डोज के तौर पर देते हैं और उसके बाद 90 mg टिकाग्रेलोर टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 1 साल बाद डॉक्टर डोज को घटाकर 60 mg टिकाग्रेलोर टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। टिकाग्रेलोर टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना टिकाग्रेलोर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से 1 से लेकर 2 सप्ताह पहले टिकाग्रेलोर टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है तो आपको टिकाग्रेलोर टैबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टिकाग्रेलोर टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को टिकाग्रेलोर टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टिकाग्रेलोर टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि टिकाग्रेलोर टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टिकाग्रेलोर टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टिकाग्रेलोर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।